हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेटर मुरली विजय तीसरी बार पिता बन गए हैं। क्रिकेटर मुरली विजय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को गोद में लिए खड़ा है। आज हम मुरली विजय और उनकी पत्नी निकिता की प्रेम कहानी लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन है निकिता। निकिता पहले दिनेश कार्तिक की पत्नी थी। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने साल 2007 में अपने बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी। साल 2012 में आईपीएल 5 के दौरान कार्तिक और निकिता साथ थे। इसी वक्त मुरली विजय की पहचान निकिता से हुई थी। मुरली का अफेयर गुपचुप निकिता से हो गया। दोस्तों, आईपीएल के दौरान हुई यह पहचान धीरे धीरे नजदीकी में तब्दील हो गई और निकिता का अफेयर गुपचुप तरीके से मुरली विजय से हो गया और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। दिनेश को जैसे ही अपनी पत्नी और मुरली विजय के अफेयर के बारे में पता चला, उसने आनन फानन में निकिता को तलाक दे दिया। निकिता तलाक के वक्त प्रेग्नेंट थी। जैसे झट से तलाक हुआ, वैसे ही फट से निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली। तलाक के वक्त निकिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन कार्तिक ने कभी बेटे पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं की। इसके बाद निकिता ने एक बेटी और एक और बेटे को जन्म दिया। उधर दिनेश ने दीपिका से शादी कर ली। दोस्तों, निकिता से रिश्ता टूटने के बाद दिनेश कार्तिक के जीवन में दीपिका की एंट्री हुई। दिनेश कार्तिक और दीपिका की मुलाकात 2003 में हुई थी। करीब दो साल तक चले अफेयर के बाद अगस्त 2015 में कार्तिक और दीपिका ने शादी कर ली। तो दोस्तों, यह थी मुरली विजय और निकिता की प्रेम कहानी। आप बने रहे YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।